हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को डायग्नोस्टिक टेक्निक्स ऑफ वायरस के बारे में बताने जा रही हूँ। देखिए, जो वायरल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक टेक्निक और इम्यूनोलॉजिकल डायग्नोस्टिक टेक्निक। मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक टेक्निक किस पे बेस्ड होती है? न्यूक्लिक एसिड के प्रेजेंस पे। और ये किस पे बेस्ड होती है? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पे। ठीक है, तो ये दोनों ये जो डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं दो तरीके की, उनका बेसिक आपको बता दिया कि जो मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक टेक्निक में न्यूक्लिक एसिड को बेस माना जाता है और इम्यूनोलॉजिकल डायग्नोस्टिक टेक्निक में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पे बेस्ड होती हैं। मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक टेक्निक को तीन तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला है न्यूक्लिक एसिड बेस्ड एम्प्लीफिकेशन टेक्निक, ठीक है, मतलब PCR जिसमें आप कह सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन का मतलब PCR होता है, DNA माइक्रोएरे और नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टेक्निक। ठीक है, ये तो एडवांस टेक्निक है जिसको ये कॉस्टली भी पड़ती है। न्यूक्लिक एसिड बेस्ड एम्प्लीफिकेशन टेक्निक में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन PCR, क्वांटिटेटिव रियल टाइम PCR, ट्रांसक्रिप्शन मीडिएटेड एम्प्लीफिकेशन और लूप मीडिएटेड आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन जिसको लैम्प भी कहते हैं, ये सारी टेक्निक्स आती हैं। ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल डायग्नोस्टिक टेक्निक में देखिए क्या क्या आता है। एलाइजा आता है जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट या सैंडविच हो सकता है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग आता है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस आता है और हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन ऐसे आता है। ठीक है, हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन ऐसे, इसमें आपको सबके बारे में पढ़ना नहीं है। जैसे अगर आप ये पूरा एक ओवरव्यू बता देते हैं तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और रियल टाइम PCR के बारे में आप बता सकते हैं, एलाइजा के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इम्यूनोफ्लोरेसेंस के बारे में बता सकते हैं क्योंकि अभी मैं उसको डिस्कस करूँगी। सारी टेक्निक्स को डिस्कस ना करके इसमें से कोई भी दो तीन टेक्निक आप डिस्कस कर लेंगे तो वो सफिशियंट होगा। तो अब हम पढ़ेंगे, ये डायग्नोस्टिक टेक्निक का ओवरव्यू हो गया, ठीक है, जिसको आप अपने हिसाब से पढ़ा करके लिख सकते हैं। तो अब देखिए,